हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव निशा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, उसका मेथड कि किस तरह से हम कलियों को काटेंगे, किस तरह से हम बॉडी पार्ट को बनाएंगे, इस तरह की वीडियो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कलियों को हम किस तरह से काट सकते हैं, उसको फ्लेयर में ज़्यादा कैसे बनाएंगे, अगर हमें उसी को शॉर्ट करना है तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट लेंगे, जो कि हर एक ड्रेस में जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे कि हम कितनी लंबी अपनी फ्रॉक को बनाएंगे। लेंथ आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी लंबी उसको बनाना चाहते हैं, कितनी छोटी उसको बनाना चाहते हैं। हम जो यहाँ पर एक अनारकली फ्रॉक बनाएंगे उसकी लेंथ हम यहाँ तक 50 इंच हम इसकी टोटल लेंथ को रखेंगे, और जो हमारा बॉडी पार्ट है 15 इंच की हम इसकी बॉडी बनाएंगे। इसके नीचे हमारी कलियां और फ्लेयर आएगा। तीरा अगर हम खुद से नाप ले रहे हैं तो हम किस तरह से लेंगे, 13 इंच का हमारे पास इसके यहाँ पर शोल्डर आ जाएगा। ये ब्रेस्ट साइज, ड्रेस हमारी 36-31। इस नाप हम ये कलियों वाली फ्रॉक बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक लेना है। फैब्रिक जो हमारे पास ये 5 मीटर का क्रेप का फैब्रिक है, 1 मीटर की हमने इसकी लाइनिंग ली है, जो कि हम इसकी बॉडी पार्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बॉडी पार्ट कट करेंगे, जो कि हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं, प्रिंसेस कट स्टाइल में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे। हमने इस डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है, जितनी हमारी चेस्ट साइज है उससे हमने 36 है, तो उससे हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा ये ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। लगाने के बाद हम लेंगे लेंथ, 15 इंच हमारे पास इसकी लंबाई थी, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इनको एफर्ट्स में इस तरह से मिला लेंगे। इसमें हम तीरा, जो कि बैक नेक डीप है, तो हम इसका 5.5 इंच हम इसका तीरा ले लेंगे। 5.5 इंच ही हम इसके मुंडा ले लेंगे। हमारी ब्रेस्ट थी तो हम इसमें 3-4 इंच प्लस करेंगे 39 इसको हम ले लेंगे। यहाँ से 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा और 1/2 इंच यहाँ पर, ये इस तरह से 31 हमारे पास कमर थी, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और 2 इंच की हम इसमें प्लेट डालेंगे। ठीक है, राउंड शेप दे लेंगे, 1/2 इंच डाउन कर लेंगे, क्योंकि नेक डीप है तो फ्रंट गले की तरफ से 1/2 इंच डाउन होगा। अब इसको कट कर लेंगे। क्वेश्चन कट करने के लिए हम जिस तरह से हमारा फ्रंट का है उसी तरह से हम इस पे निशान लगा लेंगे। फ्रंट और बैक को अलग अलग कर देंगे। ये हमारे पास फ्रंट आ गया, ये हमारे पास बैक आ गई। ठीक है, अब हम इस पे डार्ट पॉइंट रखेंगे। सबसे पहले हम डार्ट पॉइंट लेंगे जो हमने पहले नहीं ली थी। तो यहां से यहां पर ये हमारा आ गया डार्ट पॉइंट। ठीक है, तो 10 है हमारे पास डार्ट पॉइंट, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हम इसको 1/2 इंच नीचे डाउन कर लेंगे। 10.5 पे निशान लगाएंगे। 36 हमारे पास ब्रेस्ट है तो इसका 10वां इंच हिस्सा लेंगे तो 3.6 आ जाएगा, पर हम इसको 4.25 या 4 भी रख सकते हैं। हम इसको 4.25 यहाँ से रखेंगे, यहाँ 4.25 पे रख लेंगे, तो इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। फिर यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन हमने डार्ट पॉइंट के लिए लिया था, तो हम 1 इंच यहाँ पर, 1 इंच यहाँ पर, ये हम 2.5 इंच ले लेंगे, जो कि हमारी लोअर ब्रेस्ट अकॉर्डिंग पहले हम इनको निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से, इस पॉइंट को इस तरह से, और ये इस तरह से, ये हम डॉट बना लेंगे। हम 1 इंच माइनस कर देंगे और इस पॉइंट को इस तरह से, ठीक है, कर लेंगे। चटाई के लिए निशान लगा लेंगे। यहां से इसको इस तरह से,
अब हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला है इसको यहां से इस तरह से मिला लेंगे प्रिंसेस कट शेप में। जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनता है उसका डार्ट पॉइंट ये आया। अब हम जो है इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और जो ये है ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है ये हमारा डार्ट पॉइंट है। जब हम स्टिच करेंगे तो ये वाले पॉइंट आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई। ये फ्रंट वाला पोर्शन था, इसकी कटिंग हमने कर ली। यहां से हम इसको हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर लेंगे। डालेंगे बैक वाली हम साढ़े चार इंच के करीबन हम पांच पिच बैक वाली पॉइंट डॉट पॉइंट लेंगे। और यहां से हम पौने चार और इसको यहां से एक इंच इधर, क्योंकि हमने एक एक इंच का मार्जिन लिया था, एक इंच इधर ये ऐसे, और यहां से एक इंच कटिंग ऊपर की तरफ। फ्रंट और बैक ये डार्क पॉइंट की पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे। अब इसको हम फैब्रिक पे कट कर लेंगे, मेन फैब्रिक पे। से ब्लाउज ये हमारा फैब्रिक पे कट हो गया है। अब हम इसमें कलियां कट करेंगे। जो भी फैब्रिक बचा है उस पूरे फैब्रिक को हम स्टार्ट। अब हमने इस पूरे फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिया है। कलियां निकालने के लिए हम इसको एक बार फिर से एक और फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कलियां निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा कपड़ा है। अब जो हमारे पास ये फैब्रिक आया है इसमें भी ये भी कलियों के लिए ज्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक और फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा पूरी तरह से फोल्ड कर लिया, हम चेक कर लेंगे कितनी कलियां हमारे पास ये बनेंगी, कितनी तय हमारे पास है। 1, 2, 3, 4, 6, 16 कलियों वाली ये हमारी फ्रॉक जो है बनके रेडी होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो कमर हमारे पास 31 थी, ठीक है। 31 के अकॉर्डिंग हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। 31 हमारे पास इसकी कमर आई थी, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे, जो कि हम साइड का मार्जिन लेते हैं 2-2 इंच, वो प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 35, ठीक है। अब जो हमारे पास 35 है उसको डिवाइड कर लेंगे हम 16 में, तो ये हमारे पास आया 2.187, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा आया, ठीक है। इसमें हम प्लस एक करेंगे हम जो सिलाई लेंगे, एक साइड की सिलाई, दूसरी साइड की सिलाई जब हम कलियों में करेंगे तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3.11। तो हम जो कली जो कमर की साइड से काटेंगे वो हम 3 पॉइंट से 1 इंच या 2 इंच ज्यादा ही काटेंगे, ठीक है। और यहां पर हम पूरा का पूरा ही हम इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे कि हमारी लेंथ कितनी इसमें आ रही है। हमने 16 इंच की अपनी अपर 16 इंच ली है और नीचे से हमने 50 इंच की लंबाई रखनी है, ठीक है। 50 इंच की लंबाई में हमारा यहाँ पर हाफ इंच वहां पे आ जाएगा, तो मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने, ठीक है। अब हमारा जो टोटल फैब्रिक की लेंथ आ रही है वो हमारे पास आ रही है 35.5 इंच। पर जब हम कलियों को आपस में जोड़ेंगे तो थोड़ी कलियां नीचे से कोई लंबी हो जाएंगी, कोई छोटी हो जाएंगी,
तो इसलिए उसको एक पूरा हम बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम पूरा ये जो कपड़ा हमारे पास पूरा बचा है इसको एज इट इज ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम 3.1 इंच की हमारी कली बननी थी, ठीक है, तो हम इसको 3.1 थी, हम इसको 3.5 इंच कर लेते हैं अप्रोक्स करके, ठीक है। और यहाँ पर हम ये इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम इस पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इन कलियों को आपस में कट कर लेंगे। ये कर लेंगे, तरह से हमारी ये 32 कली वाली फ्रॉक कट गई है। ये रही यहाँ बाहर चला ब्रांड उठी बुझा दी, क्या लेकर आएगी। इस तरह से हमारी ये 32 कलियां आपस में जुड़ के बनेंगी। ये इसमें हाफ लेयर में दिख रही हैं, जब फुल में बनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। हमारी ये 32 कलियों वाली फ्रॉक कट गई है। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी हम इसकी वीडियो पार्ट 1 में इसकी कटिंग को डालेंगे, पार्ट 2 में हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ अपलोड करेंगे।